या हाय हाय सर, फ्री हो गए सर? श्योर, बात कर सकते हैं, बोलिए। हाँ सर, टॉकिंग रिगार्डिंग अ मेडिकल पॉलिसी। पॉलिसी मेरी बुआ की है। माय बुआ इज नॉट मैरिड, वो हमारे साथ ही रहती है। ओके। लास्ट ईयर जब वो कोविड वोविड का सीन हो रहा था तो ऐसा लगा कि मतलब मेडिकल पॉलिसी इज इम्पोर्टेंट, तो लास्ट ईयर दिसंबर में एक मेडिकल पॉलिसी लिया था बैंक ऑफ बड़ौड़ा के थ्रू। बैंक ऑफ बड़ौड़ा के अकाउंट होल्डर्स के लिए एक ग्रुप हेल्थ पॉलिसी था। पॉलिसी का दो तीन जो मेजर कंडीशन होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का होता है, जो पॉलिसी है, विच इज हुज इंश्योरिंग? चोलामंडलम, एमएस चोला जनरल इंश्योरेंस। ओके। उनका बैंक ऑफ बड़ौड़ा के साथ टाई अप था फॉर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। 15 दिसंबर को पॉलिसी बाय किया था। ओके। उसका दो तीन कंडीशंस था बेसिकली। एक तो प्री एग्जिस्टिंग, जिसमें होता है कि एक साल तक आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे क्लेम नहीं कर सकते हो। राइट। वो तो कोई इश्यू नहीं था कि उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग था नहीं, कुछ भी नहीं था, ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर था, कुछ भी नहीं था। ओके। एंड सेकेंडली ये था कि एक महीने तक आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल। अगर एक्सीडेंट से कुछ होता है तो इमिडिएटली यू कैन क्लेम कर सकते हो, बट अदरवाइज कोई भी चीज के लिए 30 डेज तक क्लेम नहीं कर सकते। ओके। एंड सर्टन बीमारी रहती है जैसे कार्ट्रैक वगैरह, वो आप एक साल बाद क्लेम कर सकते हो। ये बेसिक उसका कंडीशन था। हाँ। उस टाइम पे एकदम नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था उनको। जनरली 50+ के लिए मेडिकल कंपल्सरी होता है, बट इनके यहाँ पे इन्होंने बोला कि नॉट अ नीड, आप खाली सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो, आपको कुछ नहीं है। अच्छा। तो वैसे भी कुछ नहीं था तो दैट इज नॉट एन इशू, वो हम लोग ने कर दिया था। आपने मेडिकल कर दिया था? मेडिकल नहीं किया था, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन। हाँ, सेल्फ डिक्लेरेशन। मेडिकल वॉज नॉट कम्पल्सरी, हम लोग ने बोला था अगर करना है तो कर सकते हो, क्योंकि कुछ था ही नहीं उनको कम्पल्सरी। और यस यस, दे सेड, दे सेड, बट मेडिकल इज नॉट कंपल्सरी। इज इट, डिड दे से इट इन राइटिंग या डिड दे से इट ओरली? हाँ 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 हाँ, इट वाज इन राइटिंग। ओके। और इसके लिए पॉलिसी बाय भी हो गया, वी पेड द प्रीमियम एंड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह एवरीडे नेक्स्ट डे ऑनलाइन आ गया, क्योंकि वो टाइम ऑफिस वगैरह बंद थे। उसके बाद में तब तक कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट मंथ इन जनवरी उनको मतलब एक दो दिन ऐसा लगा कि खाने का मन नहीं हो रहा था, भूख नहीं लग रहा था। ओके। तो जनरली कभी कभी हम लोगों को लगता है भूख नहीं लगता तो हम लोग भी इग्नोर करते हैं, ठीक है आज खाने का करते हैं। राइट। खा रहे। हाँ। राइट। तो एक दो दिन वैसा हुआ, बाद में उनको फीवर आने लग गया। ओके। दैट वाज अराउंड 20 जनवरी के आसपास। ओके। फीवर आया एक दिन, फिर भी इग्नोर किया कि ठीक है नॉर्मल टेबलेट लेके चला लेते हैं, ठीक हो जाए। हाँ, तो वो ले लिया, फिर ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा डर लगा कि अभी कोविड का सीन है तो डॉक्टर को बता ही देते हैं। राइट। जो फैमिली डॉक्टर थे लोकल एमबीबीएस जो हमारे रहते हैं आसपास में। राइट। उनको दिखाया तो उसने बोला कि कुछ नहीं, मुझे वायरल लग रहा है, मैं टेबलेट देता हूँ, ठीक हो जाएगा। दो तीन दिन हम लोगों ने लिया, फर्क नहीं पड़ा, मतलब ज्यादा भूख एकदम ही बंद हो गई, लिटरली डेड हो गई, भूख खाने का मन ही नहीं हो रहा था। ओके। तो उनकी दवाई वगैरह दिया, फिर दिन तक वो दवाई चली। एंड फीवर? फीवर रात को आता था, एवरीडे रात को फीवर आता था। 7 दिन निकल गए, कुछ हुआ नहीं, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नाउ वी नीड टू गो फॉर अ टेस्ट। हम लोग टेस्ट करते हैं, कोविड नहीं लग रहा है बट आई थिंक दूसरा कुछ है। तो अराउंड 30 जनवरी को उन्होंने ब्लड एंड यूरिन टेस्ट दोनों करवाया। ओके। 30 जनवरी को उनका जब रिपोर्ट आया शाम को तो उनका हीमोग्लोबिन काउंट बहुत कम था। ओके। इट वॉज 6.5। ओके। जनरली 10 होना चाहिए लेडीज के लिए। राइट। तो इनको 6.5 था। ओके। दैट वाज द रीजन कि इनको भूख नहीं लग रहा था। ओके। यूरिन में इन्फेक्शन आया, टेस्ट में पता चला कि यूरिन के थ्रू ब्लड जा रहा है, शायद ये रीजन है कि यूरिन मतलब ब्लड कम हो रहा है। यस। डॉक्टर को रिपोर्ट बताया, डॉक्टर सेड कि अगर 7 तक होता तो हम लोग इंजेक्शन वगैरह से ट्राई कर सकते थे, बट 7 के नीचे है तो थोड़ा रिस्की है, आप एडमिट हो जाओ। ओके। और फिर भी सेकेंड ओपिनियन, मतलब किसको भी एडमिट होने को बोलेगा तो हम लोग को डर ही लगता है कि नहीं घर पे ही हो जाए तो ठीक है, एडमिट नहीं होना है। करेक्ट। एक और डॉक्टर थे हमारे एमडी है जो, उनसे कंसल्ट किया एंड ही सेड कि आप रिस्क मत लो बट बॉर्डर लाइन पे है, आप एडमिट हो जाओ। तो हम लोग 2 फेब को एडमिट हुए एंड हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे आपको ब्लड का 2 यूनिट चलाना पड़ेगा एंड विल फाइंड आउट द रीजन कि ब्लड कम क्यों हो रहा है। ब्लड का 2 यूनिट वहां पर चढ़ाया 2 फेब को, 3 फेब को, 2-3 दिन चल गए एंड बाद में टेस्ट हुआ तो स्टूल में कुछ भी नहीं आया बट यूरिन में ब्लड का स्टेन्स मिला उनको, फिर भी okay. उसकी दवा हुई। बाद में एक डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि मतलब इतने शॉर्ट स्पैन में इतना ज्यादा वीकनेस वगैरह आ गया है
तो हमको कोई मेजर इश्यू भी लग रहा है, फुल बॉडी का पेट स्कैन करना पड़ेगा, राइट, और पेट स्कैन कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। पेट स्कैन किया एंड पेट स्कैन में कैंसर वगैरह तो कुछ भी नहीं आया। एक क्या बोलते हैं गांठ आई उनको, जनरली लेडीज को होती है, मतलब डॉक्टर ने खुद ही बोला कि क्योंकि देखो पीरियड्स में होते हैं तो पूरा क्लियर नहीं होता है, तो उसके वजह से वो होता है उनको, एंड दैट इज नॉट एन इशू, वो आपके केस का इशू ही नहीं है, वो जनरली हर लेडीज की होता ही है, तो दैट इज नॉट एन इशू। और उसके लिए फिर वो लोग ने गायनिक को भी बुलाया था, गायनिक को कंसल्ट किया था, गायनिक विजिट पे आई थी, उन्होंने चेक किया और गायनिक ने कोई टेबलेट प्रिस्क्राइब नहीं किया, कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की, वो बोला कि इट इज नॉर्मल, कोई इशू नहीं है, ना ही आपके केस से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। तो वहां पे क्लोज हुआ, उसके बाद में फिर 2-3 दिन और चले गए और 8 तारीख उनका डिस्चार्ज हो गया। मेडिक्लेम का यहाँ पे आया कि जब हम लोग 2 तारीख को एडमिट हुए तो हम लोग ने कैशलेस के लिए वहां पे क्लेम डाला हॉस्पिटल के थ्रू। तो 2 तारीख को सबसे पहला तो उनका सवाल ये आया, जो वहां से काउंटर क्वेश्चन आया कि इनको डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर कब से। अब सबसे बड़ी बात तो हम लोग ने पॉलिसी में कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि हमको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, ना ही हॉस्पिटल में आने के बाद में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर मिला है उनके टेस्ट करने के बाद, उन्होंने भी शुगर वगैरह टेस्ट किया, टेस्टिंग वहां पे भी नहीं, वहां पे भी नहीं मिला, तो ये काउंटर क्वेश्चन पूछने का कोई साइंस ही नहीं था। फिर भी उन्होंने पूछा, हम लोगों ने उसका रिप्लाई दिया, जस्ट फॉर उनको टाइम ही लेना, उस दिन से उनके इंटेंशन क्लियर हो गए थे कि ये लोग जस्ट टाइम बाय कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसमें 24 आवर्स वो लोग ने निकाल दिया, हॉस्पिटल ने रिप्लाई किया 24 आवर्स बाद कि कुछ भी नहीं है। आफ्टर 24 आवर्स वो लोग ने एक सेकेंड मेल डाला, इनका जो पॉलिसी है उसका रिजेक्शन करके डाला कि 30 डेज वेटिंग पीरियड के अंदर है ये पॉलिसी अभी भी। अब पॉलिसी 15 दिसंबर को बाय किया है, 30 डेज 15 जनवरी को खत्म हो जाता है, और हम एडमिट हो रहे 2nd of February को, इट इज मोर देन 50 डेज, करेक्ट। और अगर फर्स्ट कंसल्टेशन भी काउंट करें, जो नॉर्मल हमने एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाया था, वो भी अराउंड 21st या 22nd January था, यानी वो भी 30 डेज लिमिट से बाहर निकल के, वो भी 30 डेज लिमिट के बाहर है, फिर भी वो लोग ने वो रीजन से रिजेक्ट किया। तो हॉस्पिटल ने बोला कि यहाँ से रिजेक्शन आया है ये रीजन की वजह से, तो हम लोग ने बोला कि पॉलिसी पेपर हमने भेजा ही है, आप मैं एक बार बात करता हूँ। तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, हॉस्पिटल को बोलो आप हमको वापस मेल करें और पॉलिसी पेपर अटैच करके। तो पॉलिसी पेपर ऑलरेडी फर्स्ट टाइम अटैच किया ही था, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल ही होता है वो, बट फिर भी उसने बोला था तो ये लोग ने किया। इसमें 4th तारीख आ गई, 4 तारीख हो गई, ऑलमोस्ट 3rd डे का जब एडमिट थे, उस दिन वो लोग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उस मेल का। 5 तारीख को हॉस्पिटल ने बोला कि अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इधर हम लोग वेट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पॉलिसी कंपनी क्लेम पास नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं दे रही है। तो मैंने बोला कि एक दिन का टाइम और दो, मैं मेरे एंड से मेल करता हूँ या फोन करता हूँ। मैंने मेल भी किया उनको और फोन किया, फोन करने पे उनका रिप्लाई था कि हमको हॉस्पिटल से कोई वापस मेल आया ही नहीं है, सेकेंड मेल आपके हॉस्पिटल ने भेजा ही नहीं। तो मैंने फिर हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट किया और रिटर्न मैंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे को मुझे सीसी में रखो और आप कंपनी को भेजो, तो मुझे पता चलेगा कि आप भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, राइट। तो मुझे मेल आया, कंपनी को भी गया ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 में कंपनी का ही नाम डाला हुआ है, वो लोग ने मेल वगैरह डाला हुआ, तो भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं है। अगेन मैंने शाम को कॉल किया, शाम को उन्होंने वही बोला कि आपके एंड से कोई मेल नहीं आया, जबकि मुझे सीसी में आया। तो फिर मैंने थोड़ा चिल्ला के बात किया, सब कुछ किया, तो उन्होंने बोला कि हमको आधे घंटे का टाइम दो, हम हमारी टीम से बात करके बात करते हैं। आधे घंटे बाद वहां से कॉल आता है कि आपका क्लेम है वो प्रोसेस में, हमारी टीम डिस्कस करती है इसके ऊपर, विदिन 24 आवर्स आपको अपडेट कर देंगे। तो 24 आवर्स बाद यानी ऑलमोस्ट 6 तारीख हो गई थी, अभी 2 तारीख को एडमिट हुए थे, ऑलरेडी 4 दिन पास हो गए थे, और फिर वही रीजन से रिजेक्ट कर दिया कि 30 डेज वेटिंग पीरियड है ये। ओके, फिर मैंने मेरे एजेंट से बात किया कि भाई ये बार बार क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि कैशलेस के लिए विदिन 48 आवर्स में आप क्लेम करते हो तो ही पास होता है ना, तो अभी कैशलेस में पास होगा नहीं आपका पॉलिसी। मतलब अननेसेसरी वो लोग नहीं 4 दिन निकाले ताकि कैशलेस ना देना पड़े, राइट। अभी ये क्या बोल रहा है कि आप एक काम करो, हॉस्पिटल में पे कर दो, हम लोग इसको रीएम्बर्समेंट के लिए डालेंगे। अभी वहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने पास, तो पैसा देना ही पड़ा वहां पे डिस्चार्ज के टाइम पे, 175,000 का बिल हुआ और हम लोग ने पे कर दिया वहां पे डिस्चार्ज होके आ गए।
okay. और 7 दिन का टाइम रहता है डिस्चार्ज होने के बाद में उनको क्लेम सबमिट करने के लिए. राइट. तो मैंने 7 दिन बाद जो भी हॉस्पिटल के पेपर्स थे, एक इंडोर केस पेपर होता है जो हम लोग को नहीं मिलता है, जो डॉक्टर्स आपस में जो वहाँ पे डिस्कस होता है, वो जो उनका फॉलोअप रहता है वो सब उसके अंदर लिखा हुआ रहता है. okay. जो हम लोग को नहीं मिलता है. okay. एवरी आर टू आर अपडेट जो रहता है वो. ठीक है. वो तो वो पेपर हम लोग ने वहां से लिया, वो क्लेम के लिए देना पड़ता है. तो हॉस्पिटल ने वो कॉपी दिया उसका, और वो सब डॉक्यूमेंट मैंने उनको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा, जिसका रिसिप्ट भी है मेरे पास. क्योंकि मुझे तब भी डाउट हो गया था कि ये लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग घुमाने का तरीका कर रहे हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे. करेक्ट. क्योंकि हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट आने को भी 3-4 दिन लग गए थे. क्लेम भेजा उनको एंड उनका 30 डेज का टाइट होता है कि विद इन 30 डेज दे हैव टू रिप्लाई, आइदर यस आइदर नो, जो भी है. तो उनको डॉक्यूमेंट भेज दिया, सब कुछ हो गया. ऑन 29th डे, एग्जैक्टली ऑन 29th डे, वहां से मुझे मेल और लेटर दोनों आता है कि आपने जो क्लेम सबमिट किया है इसके साथ आप इंडोर केस पेपर अटैच करो. अब दिस, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सबमिट कर दिया पहले ही. तो भी आप अननेसेसरी वापस वही चीज क्यों मांग रहे हो? वापस वही चीज मांग रहे हैं. हाँ. उनका काम था कि 30 डेज के बाद कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ करना है. हाँ. फिर मैंने वापस उनको रिप्लाई किया मेल पे भी, और इस टाइम पे मैंने उनको लेटर भी भेजा फिजिकली बाय पोस्ट भी, ये मैंने ये ऑलरेडी किया है. क्योंकि बाद में वो बहाना बनाते कि हमको मेल ही नहीं मिला, तो इसके लिए मैंने लेटर भी लिखा उनको और वो भी रजिस्टर पोस्ट से भेजा कि मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट सारे वो टाइम पे सबमिट कर दिए है. हाँ, डिलीवरी का देश और डॉकेट नंबर और एनबेरी ऑफिस के आपको भेजा था, और वो भी इंडिया पोस्ट पे दिख रहा है कि नेक्स्ट डे आपको डिलीवर भी हो चुका है. डिलीवर हो चुका है. राइट. फिर वो लोग ने क्या किया, उनके यहाँ से एक बंदा भेजा वेरिफिकेशन की, जो मेरे घर पे आया. एक्चुअली पहले गया तो हॉस्पिटल, बट हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि क्योंकि पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, तो विदाउट उनके परमिशन के हम आपको उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं दे सकते. अब घर पे आया, बोला कि आपका ये क्ले, मतलब आपका आया है इंडोर केस पेपर की डिटेल के बारे में. तो मैंने बोला देखो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, बट मेरे पास फिर भी एक कॉपी मैंने रखा है मेरे पास. राइट. आपको चाहिए तो मैं इसका एक कॉपी आपको दे सकता हूँ अभी वापस. तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ, मेरे लिए वो दैट विल बी इनफ. जनरल क्वेश्चन पूछा, आप कितने दिन एडमिट थे, क्या बिल हुआ, आपने पेमेंट कैसे किया, वो दैट वॉज कोई सेंस नहीं था. लेकिन फिर भी कार्ड से पेमेंट किया, वो कार्ड किसके नाम पे था आपने जिसके नाम से पेमेंट किया. फिर वापस उनको रिप्लाई करने के बाद में दे 30 डेज, जिसके अंदर उनको कुछ ना कुछ रिप्लाई देना है. तो वापस टाइम खींच रहे हैं. हाँ, वापस ऑन द 29th डे, अगेन एग्जैक्टली वही टाइमिंग वही डेट, जो एक दिन बचता है तब उनका वहां से वापस लेटर और मेल आता है कि आपको ये जो गांठ आई है, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, कि आपने प्रीवियसली इसके ऊपर क्या, आपने इसके ऊपर ट्रीटमेंट लिया है और अभी आगे इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है. अब वो तो ऐसा था कि गांठ है वो हमको पता ही नहीं थी पहली बात, एंड सेकेंडली उस गांठ का कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, ना ही वो गांठ रीजन थी हमारे एडमिट होने. करेक्ट. अच्छा, गांठ वॉज फाउंड इन द इन्वेस्टिगेशन, इज इट? हाँ, और इन्वेस्टिगेशन में आया और दैट इज कुछ, मतलब उसका कुछ करना ही नहीं है. डॉक्टर ने बोला कि उसका कुछ नहीं करना है, दैट इज कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं उसका. हाँ, इंसिडेंटल, उसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं. हाँ, कोई मतलब भी नहीं. अगर है बॉडी में तो भी कोई इश्यू नहीं है, कुछ इश्यू नहीं करता है वो. उसका एक ये भी प्रूफ है कि क्योंकि डॉक्टर आए थे, उन्होंने चेक किया, और अगर कुछ इश्यू होता तो एटलीस्ट एक दवा तो प्रिस्क्राइब करते कि भाई इसके लिए ये दवा खाओ. करेक्ट. वो भी नहीं किया. वो भी कभी की बात है 4 तारीख को, उसके बाद 4 दिन हॉस्पिटल में और एडमिट थे, मतलब 4 दिन उसके बाद के 4 दिन वो डॉक्टर वापस विजिट पे भी नहीं आए देखने के लिए कि पेशेंट को क्या हो रहा है, जो उसके लिए आए थे. मतलब ऑब्वियसली वो प्रूव करता है कि उसका कोई लेना देना ही नहीं था. करेक्ट. बट फिर भी मैंने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने लेटर लिख के दिया, उसके लेटर हेड पे ये इंसिडेंटल फाउंड हुआ था और इससे कोई रिलेटेड नहीं है, पेशेंट को पहले भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना ही अभी कोई प्रॉब्लम, और ना ही इसकी कोई दवा चल रही है. इसका हम लोगों ने उनको लेटर, वही डॉक्टर का जो लेटर था वो उनको भेज दिया. अगेन ऑन द 30th डे, मतलब ये सब चीज करते करते मोडस ऑपरेंडी है, उनका एक मेथड है. उनका एक तरीका है कि तरीका है. हाँ, फिर एग्जैक्टली 30 डेज आते हैं, 30वें दिन पे उनका वापस वही मेल आता है कि आपका 30 डेज वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग पॉलिसी पास नहीं कर सकते.
30 डेज की बात है, अगर आप गार्ड के रीजन से रिजेक्ट करते हो बेसिकली, तो वो तो वो आपको रीजन ये लिखना चाहिए कि इनको प्री एग्जिस्टिंग था, तो वो तो लिख नहीं रहे, वो 30 डेज की बात कर रहे कि 30 डेज के अंदर ही ये क्लेम कर रहे हो, जबकि वो 30 डेज के ऊपर ही जाता है, मतलब सीधा सीधा हिसाब है और तो कोई उसमें हिसाब है नहीं। वो होने के बाद भी मैंने वापस एक बार उनके मेल किया, उसमें लिखा था कि उनके जो ग्रेवेंस ऑफिसर्स रहते दो लेवल है उनका, कि अगर आपको नहीं सेटिस्फाइड हो तो आप उनको मेल करो, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल का भी 30 डेज वेटिंग पीरियड है, वहां से कोई रिप्लाई आएगा, सेकेंड का भी 30 डेज है। तो मैं वही थ्रू गया, मैंने पहले लेवल पे मेल किया उनको सब कुछ करने के बाद, वहां से कोई रिप्लाई नहीं, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। ओके, फिर मैंने सेकेंड लेवल पे मेल किया, उसको भी आज 2 महीना हो चुका है, कोई रिप्लाई नहीं आया उस एंड से। फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फ्रेंड है मतलब लॉयर है उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है एंड ये रीजन दे रहे। तो उन्होंने मुझे एक कंज्यूमर कोर्ट के जो लॉयर है उनसे मिलाया, मैंने उनको पूछा, तो उनसे मैंने जनरली ये पूछा कि ये लोग जो 30 डेज की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि अगर अभी हम लोग केस करने जाएंगे उस बाद में ये लोग कोई और रीजन बताएंगे, ये नहीं कोई और रीजन से हम क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो नहीं कर सकते। हाँ नहीं, लेकिन अभी नहीं। तक उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया है तो नया ग्राउंड थोड़ी ढूंढ सकते हैं, ऐसे ही नया ढूंढते रहेंगे क्या। हाँ वही एग्जैक्टली लॉयर ने भी मुझे मतलब एग्जांपल देके बताया कि अभी तक वो बोल रहे हैं कि ये ब्लैक कलर है, और अभी हम जब प्रूव कर रहे हैं कि ये ब्लैक कलर नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते जनरली उठ के कि नहीं ये ग्रीन कलर है। करेक्ट। सेकेंडली मैंने बोला कि ये भी गांठ वाला इशू है, तो उन्होंने बोला कि देखो गांठ वाला अगर इशू भी बना नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आपको कैशलेस के टाइम पे ही ये ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट कर दिया था। गार्ड तो आपको चौथे दिन मिली ना एडमिट होने के बाद। करेक्ट। अभी तक तो गार्ड थी ही नहीं, और गार्ड इंसिडेंटल है। हाँ वो इंसिडेंटल, और सबसे बड़ा प्रूफ है कि उसकी कोई दवाई नहीं हो ना, आज तक हो रही है ना तभी हुई थी। फिर एक मुझे ये भी पता चला कि इंश्योरेंस एम्बुजमेंट होता है वो मोस्टली कंज्यूमर के फेवर में रिप्लाई देता है, मैं गया था उनके ऑफिस में, तो वहां पे मुझे 2-3 लोग मिले जिन्होंने, आप कह रहे हो वो लाइपोमा कहते हैं ना, इज इट लाइपोमा? लाइपोमा नहीं, लाइपोमा तो जनरली जो बॉडी में होता है, बॉडी के अंदर फैट टिश्यू अंदर रहता है। नहीं ये कैसा होता है, ये जनरली लेडीज को होता है, जो उनका बैग होता है उसके अंदर उनको जनरली एवरी मंथ पीरियड्स होते हैं, तो कुछ रह जाता है, पीरियड्स में होना बंद हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो जो अंदर रह जाता है यूटरस को लेके रहता है। हाँ 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 ठीक है वो रहता है, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हर एक में मिलता है। हाँ वही रीजन है। फिर मैंने इंश्योरेंस एम्बुसमेंट की बात किया था, तो वहाँ ऑफिस में जब गए तो मुझे 2-3 जन नीचे ही मिले, उनका भी एक्चुअली वो तो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, बट उसका भी रूल ऐसा था कि 30 डेज में वो लोग डिसीजन लेते और कंपनी को मानना पड़ता है, बट कोविड के टाइम पे वो लोग ने 30 डेज का टैक्स हटा दिया लास्ट 2 साल से, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियों उसके क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारा उनके पास ओवरलोड हो रहा है, तो उन्होंने वो 30 डेज का टैक्स हटा दिया। तो मुझे ऐसे लोग भी वहां मिले जिनका 1.5 साल से यहाँ पे चल रहा है और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आपको जो चीज नॉर्मली आराम से मिलना चाहिए वो तड़प तड़प के आपको लड़ के लेना पड़ता है, तो बेसिकली दैट इज देयर मोडस ऑपरेंडी, लड़ेगा कौन, लड़ने का किसके पास टेम्परामेंट है, कितना लड़ेंगे, लोगों ने एक बार दे दिया है तो लोग एक बार दे देते हैं, फिर बोलते हैं छोड़ यार अपना नसीब खराब है। हाँ वही और छोड़ देते, क्यों छोड़े ना, कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो ऑन पेपर हम तो कहीं पे गलत ही नहीं है ना। बराबर है, सही है। अगर कुछ गलत किया होता तो अलग बात है, क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट, उनके बिहेवियर से भी बहुत क्लियर कट है कि वो क्या कर रहे हैं। जी वो मुझे पता नहीं, फर्स्ट सेकंड डे जब वो लोग ने मुझे बोला ना कि मेल ही नहीं आ रहा है मुझे, जब मैं सीसी में हूँ मुझे मेल आ रहा है, अगर आपका भी मेल बाउंस होता है वहां से तो मुझे भी तो नोटिफिकेशन आता है कि मेल बाउंस हुआ है, मुझे भी नहीं आ रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं मिल तो रहा है, उसी मेल आईडी पे 2 दिन पहले मेल भेजा, तब आपने बराबर रिप्लाई करके भेजा कि ये पॉलिसी रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। फिर वो लॉयर से बात किया तो लॉयर ने बोला कि केस आपके फेवर में बनता है, इट इज नॉट एन इशू, बट कैसा है कि ये 2 चीज है, इसके ऊपर ग्राउंड पे लड़ना पड़ेगा आपको, और वो किस कितना चलेगा क्या चलेगा वो नहीं बोल सकते हम लोग। दैट इज द प्रॉब्लम, एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम, और ये लोग उसी का फायदा ले रहे हैं। जी और दूसरा एक है कि कंज्यूमर फोरम में मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लॉयर रखो,
बट वो तो मुझे सर मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत साल पहले मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था कंपनी का. अच्छा मतलब मैं आई वॉज ऑन द अदर एंड मतलब मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था. मेरा एक कंपनी का इलेवल वाली का डिस्ट्रीब्यूशन था. राइट मेरा अलग एरिया था बट सम अदर एरिया में किसी कस्टमर को 200 ml की बॉटल के अंदर देर वॉज अ कॉकरोच जो उनको मिला था. कस्टमर वॉन्टेड टू क्लेम. अच्छा फिर कंपनी ने अपने मंदे को वहां पे भेजा. अच्छा, लॉयर था जो भेज बदल के नॉर्मल ऑफिसर बन के गया कि मैं कंपनी से आया हूँ. मतलब मुझे बताओ तो सही आप मेरे पे क्लेम कर रहे हो. एटलीस्ट आई शुड हैव द मैं बात क्या करूंगा कोर्ट में जाके जब तक मुझे पता ही नहीं क्या केस है. उन्होंने बेला फुसला के उससे बोतल हाथ में लेके उसका सील खोल दिया. वंस यू ओपन द सील बात खत्म हो गई. अब ये बोलता है उल्टा है कि अब तू मेरे पे केस करेगा तो मैं तेरे पे केस करूंगा मानहानि का कि तूने खुद कॉकरोच डाल के तो मेरी कंपनी का नाम खराब कर रहा है. कनिंग. तो ये मैंने देखा तो मैं बोला ये तो बात सही है कि कंपनीज के पास अपने लॉयर्स का टीम होता है जो हम लोग को ऐसे ऐसे लॉ निकाल के देगा कि हम लोग सामने खड़े ही नहीं रह पाएंगे. बहुत कनिंग है. तो वही मुझे आपका एडवाइस देना था कि मतलब करना चाहिए केस वगैरह कि क्या करना चाहिए. अपना तो काम नहीं है. लॉयर से मैंने बात किया दिया. यू कैन अपियर इन पर्सन ऑल्सो. आपने जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन किया सफाई से एक्सप्लेन किया है तो आप खुद अपियर हो सकते हो. दैट इज क्वाइट क्लियर. हाँ ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है. बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके क्या है फोकल पॉइंट दो चीजों पे रेस्ट होता है. डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस एंड डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स. इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली सर्विस है. सर्विस में आता तो है. तो आपको एक ही चीज पे हैमर करना है. डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस. तो उसके लिए आपके पास ग्राउंड्स है. तो एक पहला कि कैशलेस क्लेम. तो कैशलेस का अट्रैक्शन होता है आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा नहीं आएगा. तो इन्होंने आपके ऊपर अननेसेसरीली फाइनेंशियल बर्डन डाला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे आपको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए कि उन्होंने कैशलेस का जिस तरह से आपको देना चाहिए था वो नहीं दिया. तो पहली बात वहां पे हो गया. फिर दूसरी बात है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस. सेकेंडली यानी कि आप भेज रहे हो मेल में जो चाहिए वो जो चीज चाहिए वो भेज रहे हो वो कह रहे हैं मेल बाउंस हो रहा है ये है वो है हैरेसमेंट कर रहे हैं 29th डे पे रिप्लाई कर रहे हैं. तो सारा आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में है. जो उनका मैलिफाइड इंटेंशन दिखाता है उसके ऊपर फिर मेंटल हैरेसमेंट का बनता है. तो मेंटल हैरेसमेंट के लिए यू हैव टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. व्हेन माय ऑन्स दिस थिंग वाज ओवर आई वांटेड टू गो ऑन विद माय लाइफ बट तुम मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो. हाँ, इसी चीज को लेके मैं घूम रहा हूँ. कितना घूम रहा हूँ तुम्हारे चीज को लेके और तुम छोड़ते नहीं हो. एंड विदाउट एनी कॉज विदाउट एनी जस्टिफाइबल कॉज हाउ कैन यू से. तो वो 1 month का जो बोला तो वो 1 month का भी डेफिनेशन और वो सब बहुत क्लियर है. इट्स वेरी क्लियर कि 1 month को लेके हैरेसमेंट कर रहे हैं. तो तरह तरह से वो लोग बहाने ढूंढ रहे हैं. यानी वो इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं. You should definitely go to consumer forum and I will also suggest that you should go to public forum also. इसमें भी डालो YouTube में डालो. I'll be very happy to put our conversation on YouTube. उससे फायदा ये होता है और ये होता है. ओके सी क्या होता है ना कंज्यूमर कोर्ट में जस्टिस मिलते मिलते आपको साल डेढ़ साल दो साल तीन साल लग जाएगा. ओके और एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है के कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ सरप्राइजेस. लॉयर्स भी ऐसे ही कहते हैं कि कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ सरप्राइजेस. दिख रहा है कि ब्लैक इज नॉट व्हाइट लेकिन फिर भी जज कह देगा नो बराबर है. वो जो है टेक्निकल पॉइंट वो टेक्निकली जो कह रहा है टेक्निकली सही है. यार टेक्निकली सही है का मतलब क्या होता है. 1 month इज 1 month एज डिस्क्राइब बाई कॉमन मैन. नहीं एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन रमेश वर्सेस गणेश. फालतू के लॉज केस लॉज कहीं कहीं से निकाल के लेके आते हैं. अभी केस लॉज का ऐसा होता है कि देर आर केस लॉज ऑन बोथ साइड.
तो केस लॉस इस तरफ दिखाने वाले भी मिल जाएंगे और उस तरफ दिखाने वाले भी मिल जाएंगे। जी 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 जी। स्त्री वाले ने आपका कोर्ट जला दिया तो ये भी केस लॉ मिल जाएगा कि उसको कोई ही डज नॉट हैव टू कॉम्पेंसेट यू, वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। यू नो मोहन इस्त्रीवाला वर्सेस सुलक्षणा देवी 1971 का कोई केस मिल जाएगा, और उल्टा भी मिल जाएगा कि ही हैज टू कॉम्पेंसेट यू एंड ही शुड कॉम्पेंसेट यू मच मोर देन द वैल्यू ऑफ द सूट, वो भी आपको कोई मिल जाएगा कि चंदू इस्त्रीवाला वर्सेस लक्ष्मण दास, वो भी मिल जाएगा। तो अभी आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं रहता, यू विल नॉट बी एबल टू सर्च फॉर केस, और इतना नॉलेज भी नहीं है कहाँ से निकालेंगे, नॉलेज भी नहीं है, और ये लोग केस लॉस लेके बैठ जाएंगे, उन लोगों के पास पूरे पड़े हैं केस लॉस, तो निकाल के लेके आएंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस गणेश चंद 1961, ऐसे सब लेके बैठ जाएंगे वो लोग, और बड़ा काउंसिल अगर रख देते हैं तो इट इज पॉसिबल दैट दे कैन विन बेस्ड ऑन टेक्निकल। आप मेरिट पे लड़ रहे, आप तो प्योर मेरिट पे लड़ोगे, आप टेक्निकल पे लड़ोगे नहीं, बराबर, वो लोग टेक्निकल पे ही लड़ेंगे, उनके पास मेरिट है ही नहीं। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ देम विनिंग। सो माई सजेशन टू यू, यू कॉल्ड मी, आई एम अ यूट्यूबर, ओके, और जैसे वो कहते हैं मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक, तो यू शुड कीप दैट इन माइंड। माई अंडरस्टैंडिंग इज जब आप पब्लिक में इसकी उनका जो बिहेवियर है वो एक्सपोज करते हो तो उनको पब्लिक में मार पड़ती है, पीपल फियर, अरे वो डिफेमेशन ठोक देगा। जो हुआ है, जो एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर है, उसको मैं पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई कानून है क्या? नहीं, यू हैव टू अर्न योर रेपुटेशन बाय योर डीड्स, इज नॉट ओनली बाय एडवर्टाइजमेंट। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर रेपुटेशन, योर रेपुटेशन इज नॉट लाइक मंदिर का मूर्ति है अंदर, उसके भगवान ने जो भी किया होगा लेकिन मंदिर का मूर्ति सोने का ही रहेगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। यू आर अर्निंग योर रेपुटेशन, यू आर अ कंपनी, तुम्हारे कंडक्ट से तुम रेपुटेशन अर्न करोगे, तो तुम्हारे कंडक्ट से अगर तुम्हारा रेपुटेशन जाता है, वी आर एंटाइटल्ड टू डिस्कस योर कंडक्ट। तुम अगर कहोगे नहीं नहीं दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ द मैटर, तो ठीक है, तो आप बताइए फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है। हाँ, बराबर है, हाँ। आप सामने रखिए ना, हम भी तो वही बता रहे हैं जो आपने बताया, हम भी तो वही बता रहे हैं, हम कुछ नया थोड़ी बता रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं कि आपने हमको ये लिख के दिया और हमको गलत लग रहा है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीज को। करेक्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस भी होता है, और दूसरा एक रीइन्फोर्समेंट ये होता है कि ये काम आपके साथ में कर रहे हैं तो श्योरली यही काम दूसरों के साथ भी हो रहा है, सेम थिंग में भी, और कहीं जगह पे उनको सक्सेस मिला होगा तभी तो वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं, और उनको सक्सेस भी मिलता होगा, बिकॉज एक एक जगह पे वो कितने लाखों को बचा लेते हैं या लार्ज अमाउंट, उनका स्टेक्स लार्ज है, हर एक केस में वो 30,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 ऐसे अमाउंट है। आपका क्या अमाउंट है बाय द वे? मेरा 1,75,000। 1,75,000, सो इट्स अ साइजेबल अमाउंट। 100 लोगों को करोगे तो श्योरली आपका बैलेंस शीट अच्छा लगने लगेगा। हाँ, और 100 में से सर अगर 10 रेट अगर पीछे जवाब भी मांगेंगे और आप 10 को भी दे दोगे तो भी 90 का पैसा तो घर पे ही है। 10 लोग लड़ेंगे, 19 पीपल विल नॉट फाइट, ये तो स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट उनके पास प्रूफ होगा कि कितने लोग लड़ने वाले हैं। तो ठीक है, जो लड़ेगा बहुत लड़ेगा तो ठीक है दे दो, तो दिस कैन बी अ मोडस ऑपरेंडी, तो और भी लोग आ जाएंगे। हाँ, मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा, एंड इफ अदर्स आर डूइंग इट दे विल आल्सो कम आउट सेइंग मेरा न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ ये एक्सपीरियंस रहा। दैट इज वाई सर मैंने आपको कनेक्ट किया, क्योंकि लार्जर ऑडियंस को तो सर आप ही बता सकते हो, मतलब आपके थ्रू ही जा सकता है लार्जर ऑडियंस। राइट राइट, सो व्हाट आई सजेस्ट इज यू सेंड मी द पेपर, और आपका जो भी करेस्पॉन्डेंस हुआ है एक स्कैन भेज दो। यू आर द मास्टर ऑफ द फैक्ट, चाहे जितना अच्छा लॉयर हो फैक्ट्स पे वो काउंटर नहीं कर सकेगा। अगर फैक्ट सामने रखना होता है तो आप जितनी स्फूर्ति से उसको ये कर सकोगे वो लॉयर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 500 केसेस लेके बैठता है, तो ही इज नॉट एबल टू कीप ऑल द फैक्ट्स इन माइंड। आपके लिए तो आपका एक ही केस है, तो यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर फैक्ट, तो आप आर्ग्यू ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो बेस्ड ऑन फैक्ट। हाँ, ये बात अलग है कि जब कोर्ट में डिस्कशन होता है या जो भी प्रोसीडिंग होते हैं तो प्रोसीडिंग्स थोड़ा ज्यादा टेक्निकल होता है, इट इज नॉट सो सिंपल। मेरा सॉल्यूशन ये रहता है
आई टेक अ लॉयर अलोंग फॉर एडवाइजिंग मी. मैं खुद पार्टी इन पर्सन बन के ही अपियर करता हूँ. कभी कभी वो इश्यूज हो जाते हैं जज के साथ. जज विल से यू कैन नॉट अपियर एज पार्टी इन पर्सन इन माय लाइफ. लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में ऐसे नहीं होना चाहिए. नहीं होता. यू कैन अपियर एज पार्टी इन पर्सन बट कीप अ लॉयर एट दैट टाइम फॉर एडवाइजिंग. तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसको आ रहा है तो वो आपके कान में फूस सुझा देगा. फॉर एग्जाम्पल स्टेजेस ऑफ द लिटिगेशन के आज क्या होने वाला है. टुडे वी आर गोइंग टू ओनली डू दिस. तो वो थोड़ा सा टेक्निकल चला जाता है विच वी डोंट अंडरस्टैंड. ऑल्दो कंज्यूमर विसिंग फोरम इज सपोज टू बी फ्रेंडली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवर ओन बॉडी लैंग्वेज. आई थिंक यू आर प्रोबेबली एबल टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ क्वाइट वेल. मुझे तो सर एक चीज ये लग रहा है कि मेरा जितना जा सकता था अभी मेरा मैक्सिमम क्या जा सकता था. ज्यादा से ज्यादा तो हॉस्पिटल के बीच चला गया वो जा सकता. अब वो मेरे घर से आके मेरे तिजोरी के लेके तो नहीं जा सकता है. करेक्ट. मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है. तो अच्छे इधर आई विन और इधर आई डोंट विन. बस दैट्स व्हाई यू एंड यू विल लर्न समथिंग. इफ यू विन यू विल लर्न समथिंग. यू विल लर्न अ लॉट. यानी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा. सो यू आर राइट. तो ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा टेक्निकल रहता है अगेन एज आई सेड. तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक बार नजर मार लो. मे बी यू कैन सीक फ्रेंडली एडवाइस फ्रॉम कपल ऑफ लॉयर्स बाय जस्ट सेंडिंग योर ड्राफ्ट. यू कैन सेंड इट टू मी ऑल्सो. आई मे बी एबल टू गिव यू सम फ्रेंडली एडवाइस. आप कोई भी जुडिशियल फोरम में जाओगे वन ऑफ अ फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. एक तो यू हैव टू आर्ग्यू फॉर ज्यूरिसडिक्शन. ऑफकोर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. सेकेंड इज आर्ग्यू इन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा. यू विल हैव टू रीड द एक्ट. होमवर्क तो करना ही पड़ेगा. वो तो होमवर्क करना पड़ेगा. आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना पड़ेगा. आप पढ़ोगे तो आपको रेलेवेंट सेक्शंस इन्वोक करने पड़ेंगे. वो सेक्शंस के जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को आपको यूज करना चाहिए. एक दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि व्हाट इज योर कॉज ऑफ एक्शन. तो फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ किया. आपने उनको समझाने के लिए हर कोई करेस्पॉन्डेंस किया जो एक रीजनेबल आदमी कर सकता है. मैंने उनको रजिस्टर पोस्ट से भेजा. मैंने उनको ये किया. मैंने उनको ये भेजा. ये सब भेजने की जरूरत नहीं थी तो भी मैंने किया. ये सब करके वो उसको समझ में नहीं आ रहा है तब जाके मैं अब आपके सामने आया. दैट इज व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन. मतलब 6 महीने निकल गए. 6 महीने तक उनका कोई स्टैंड ही मतलब कुछ जवाब ही नहीं आ रहा. वो लीगली मतलब पहले दिन से जो गाना गा रहे वही आज गाना गा रहे 6 महीने बाद. राइट. तो ये सब तब जाके वो करना पड़ता है. एंड देन यू हैव टू से दैट वो मैलिफाइड है. वो गलत मंशा से कर रहे हैं. तो ये सब वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं. नॉर्मल आदमी ऐसे सब वर्ड्स यूज करने से कतराता है. थोड़ा लीगल लैंग्वेज में आपको ये करना पड़ेगा कि बॉस दिस इज मैलिफाइड. ये मैलिफाइड इंटेंशन दिखा रहा है उनका. कि गलत मंशा दिख रही है. हर बार 29 डे रिप्लाई करना होगा. फ्रेंकली मुझे पहले 2-3 दिन में ये तो सीरियस ये तो बोलने की बात नहीं. सीरियसली मुझे पहले 2-3 दिन ही अंदर से इंट्यूशन आने लग गया कि इनका तरीका जो है ना वो गलत ही है. कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं. राइट. और इसीलिए तो मैंने ये रिकॉर्ड रखा. नहीं तो जनरली कौन रिकॉर्ड रखता है सर ये सब चीजें. कौन करता है मतलब जनरल नॉर्मल कोर्स में तो अगर मैं भी भेजूंगा तो कोई नहीं रखता है. करेक्ट. बट मुझे उस दिन पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कि कुछ ना कुछ ये लोग मतलब जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं. इसके लिए इवन जो फर्स्ट डे डॉक्टर को कंसल्ट किया था मतलब नॉर्मल फैमिली डॉक्टर को उसका तो कहते चिट्ठी लेके बाद में फेंक भी देते दवा लिया देते हैं मतलब. या, 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 हाँ, बट वो पता नहीं क्यों वो संभाल के रखा हुआ. अच्छा वो सब पता नहीं क्यों कॉन्सिडेंटली सब रह गया. वो डेट वो भी मतलब ठीक है लग रहा है कि रखा तो अच्छा ही हुआ. बहुत अच्छा बहुत सही. सेकंड एंड फोर्थ जो भी करेस्पॉन्डेंस हुआ है आप डेट वाइज भेज दीजिए. हाँ मैं आपको भेज देता हूँ. आप ईमेल पे भेजोगे तो मुझे एक व्हाट्सएप भेज दो कि मैंने ईमेल पे भेजा. व्हाट्सएप पे भेज रहे हो तो वो करने की जरूरत है.
इनफैक्ट जब हॉस्पिटल में थे मैंने एक मेल भेजा था उनको, जब वो हॉस्पिटल को रिप्लाई नहीं कर रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है रीजन, तो मैंने मेल किया था एंड उस मेल का रिप्लाई वो लोग ने 1.5 महीने बाद किया था। मतलब मैं कैशलेस के लिए आपको मेल कर रहा हूँ भाई कि मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, यू हैव टू रिप्लाई विद इन 4 आवर्स, आपके टैग में लिखा हुआ 1.5 महीने में रिप्लाई दिया, उसका 1.5 महीने बाद रिप्लाई आता है। वो भी क्या रिप्लाई आता है कि योर ये क्या बोलते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम इज इन प्रोसेस। तो जब तक मैं रीइंबर्समेंट के लिए डाल चुका हूँ आपका एक क्यूरी रेज हो गया है, मैंने वो कह रही है रिप्लाई दे दिया है और उसके बाद आप मेरे को कैशलेस के मेल का रिप्लाई दे रहे हो। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो वो तो सब ब्लैक एंड व्हाइट में रूप के साथ है, जोक है वो खुद बहुत बड़ा ग्राउंड है आपको लड़ने के लिए। ये टाइप का जो कंडक्ट है वो बहुत क्लियरली दिखाता है, बहुत क्लियर है। वही सर, अगर उन्होंने, मैं आपको बोलूँ अगर उन्होंने कोई टेक्निकल लैंग्वेज वो डाल के अगर शायद उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया होता तो मैं शायद ये भी बैठ के मान जाता था कि हो सकता है ये सही होंगे। बट जो रीजन दे रहे वो तो एक्चुअली मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 30 डेज मेरा कैलकुलेशन, जनरल आदमी का कैलकुलेशन 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी को 30 डेज खत्म हो जाता है। इनफैक्ट 13 को खत्म हो जाता है क्योंकि दिसंबर 31 डेज का होता है। और मैं कर रहा हूँ 50वें दिन तो, और फिर भी आप वही बता रहे हो कि 30 डेज के अंदर है। राइट, इनफैक्ट मेरा एक थियरी है, एक कंपनी है ना, लेकिन एक थियोरी है कि मानवता के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो प्रोग्राम्स जो अपने आप को बना प्रोग्राम्स दैट राइट देमसेल्व्स। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। अभी कंपनीज सबसे बड़ा खतरा कंपनीज से है मानवता के लिए या आम आदमी के लिए, बिकॉज वो लॉज रूल्स किसी को समझते नहीं है। लेकिन और उनके लीगल पावर हमारे लीगल पावर से ज्यादा है। हम अगर एक वकील को दिन के 1 या 2 हजार रुपए दे सकते हैं या पर हियरिंग 2-3 हजार रुपए देंगे, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे। ये लोग सीधा 2-3 लाख रुपया दे देते हैं, दे डोंट माइंड वहाँ पे खर्च। वही तो मुझे वही तो मेरे मतलब मैं जिस तरह से मिला था उन्होंने वही बोला कि इनकी पूरी टीम होती जो रेडी होती जो सैलरी बेस पे हर महीने उनको सैलरी दे रहे हैं, उनका काम ही वही है लोगों को खाली मेल आता मतलब कोई लीगल आता है उसका रिप्लाई करना। करेक्ट, टीम ही बिठा के रखी है, मतलब 4-5 लॉयर रखे ही है, उनको पता ही ऐसा सब होने ही वाला है। राइट, तुम उसको रिप्लाई करते रहो, तुम तुम्हारा खेलते रहो, हम हमारा करते रहेंगे। करेक्ट, ये ऐसा तरीका होता है कि दे नो हाउ टू डिफीट द कॉमन मैन। अब कॉर्पोरेट एंटिटी भी एक एंटिटी है, यू मे नो दैट दे आर कॉल्ड लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, हाँ, तो वैसे देखा जाए तो इन द आईज ऑफ द लॉ दे आर अ पर्सन, बट एक्चुअली देखा जाए तो दे आर नॉट अ पर्सन, दे आर अ जायंट। आम आदमी अगर नॉर्मल पर्सन है 5.5-6 फुट का तो ये तो यार 50 फुट का जायंट है। अब आप उसको लीगल पर्सन कहते हो तो आप गलत कर रहे हो, यू आर सेइंग नहीं वो सेम है, नहीं वो सेम नहीं है। उसके पास इतने बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं, पहुंच ही नहीं सकते हो। कोर्ट में जाओगे तो उसके पास बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं जो आपके पास नहीं हो सकते एज एन इंडिविजुअल। फिर भी वो कहेंगे नहीं वो सब ठीक है, लेकिन स्टिल ही इज ए पर्सन, यू आर अ पर्सन। तो इस तरह से कोर्ट डील करता है, मतलब कोर्ट हकीकत को समझ नहीं रही है या जानबूझ के समझ नहीं रही है, या मे बी ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट और लिखा हुआ कुछ और है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से ऑलवेज तो एवरीथिंग करेक्ट करेक्ट लिखा हुआ कुछ और है। तो यहाँ पे अपने को लड़ना पड़ेगा और वी हैव टू शो पीपल कि बॉस दिस इज अ प्रॉब्लम। अब अगर ये चोलामंडलम का जो ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी यू सेड अगेन, चोलामंडलम चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस पब्लिक हैज टू होल्ड देम अकाउंटेबल। और एक से ज्यादा हो सकता है कि कोई और भी कॉल करेगा कल जो कहेगा क्रिश मेरा भी ऐसा ही केस है, सेम केस है, डिटो केस है। मुझे केस में सर पता तो चले कि मतलब क्या हो रहा है। करेक्ट, इधर या तो उनको रास्ता मिल रहा है या तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, दोनों में से एक तो होगा, किसी का या तो केस सॉल्व हुआ होगा या तो कोई करने वाला होगा। राइट, एग्जैक्टली। सो लेट अस डू इट, लेट अस पुट इट आउट देयर। आपने
उनको नोटिस नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है आप रेगुलर करेस्पॉन्डेंट कर रहे हैं, सो नाउ यू राइट समथिंग लाइक अ लीगल नोटिस, आई हेल्प यू टू लीगल नोटिस। अब वो लीगल नोटिस टाइप का जो होता है उसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट यू डू इज यू राइट अ डेट वाइज थिंग ऑफ लिस्ट ऑफ हाउ थिंग्स हैव हैपेंड सीक्वेंस वाइज, जो सीक्वेंस ऑन सच एंड सच डेट वी फर्स्ट अप्रोच्ड चोलामंडलम, ऑन सच एंड सच डेट वी साइंड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह करते करते, ऑन दिस डेट माय ऑन्ट फेल इल, देन वी वेंट टू हॉस्पिटल, देन वी अप्लाइड फॉर दिस थिंग पॉलिसी अमाउंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या हुआ डेट वाइज। ओके, अब उसके बाद वी कॉल अपॉन देम टू रिप्लाई। अब नॉर्मली अगर वकील से करवाओगे 10-15 हजार का खर्चा तो समझ के चलो, सस्ते में करने वाले हैं ऐसे नहीं है, नहीं तो नॉर्मली 10-15 ले लेते हैं। आई विल नॉट एडवाइज, आई विल से इस स्टेज पे मत खर्च करो। ओके, वी विल ड्राफ्ट इट, वी विल ड्राफ्ट इट बिटवीन यू एंड मी। ओके, आप ड्राफ्ट करो, मैं ड्राफ्ट पॉलिश कर दूंगा। फिर ड्राफ्ट आप ये भेजोगे, यू विल सेंड देम दैट नोटिस, वी कॉल अपॉन यू टू रिप्लाई। वो लोग मोस्टली रिप्लाई देंगे, इफ इट्स समथिंग लाइक अ लीगल नोटिस दे विल रिप्लाई, दे हैव अ लीगल टीम, दे विल रिप्लाई। हो सकता है काउंटर एलिगेशन के साथ में रिप्लाई करेंगे। एंड और दूसरा इसमें ऑफकोर्स बैंक ऑफ व्हाट इज इट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल्सो गेट्स ड्रैग्ड इन टू इट कि भाई साहब आपने कोलैबोरेट किया तो किसके साथ कोलैबोरेट किया, दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेस बट एंड में हो क्या रहा है, वो तो अपना प्रीमियम लेके कमीशन लेके बैंक की रहती है, भाई हाँ मैंने 5,000 कस्टमर बना लिए, 10,000 कस्टमर बना लिए, फिर होता क्या उसका। करेक्ट, तो कस्टमर बनाते हो तो उसका एक जिम्मेदारी भी निभाना होता है, आप वो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कमीशन भी तो ले रहे हो ना, फ्री तो नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो कंपनी भी तो उसको दे रही है ना, बेचने वाले को कमीशन मिल रहा है। मैंने पूरे केस में कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा को इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने कहीं ना उनको कुछ भी नहीं भेजा था। अच्छा, मतलब मेरा जो भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट चोला से ही हो रहा था। ठीक है, ओके सर, मैं आपको कल कंटेंट भेजता हूँ पूरा, मतलब मेल करता हूँ, एंड देन आई विल मैसेज यू। ठीक है, देन वी विल डू दैट। ओके, मे बी सेकंड हाफ में मैं आपको भेजता हूँ। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट। ओके बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट सर। गुड नाइट।